जो आज हम एक नई कहानी सीखेंगे और नया कुछ और सीखेंगे, ठीक है? तो आज हम क्या है, पेज नंबर कितना, 5। पेज नंबर 5 पे जाइए, सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 5 पे जाइए और लेसन नेम रहेगा देख कर खाओ भाई। क्या है? देख कर खाओ भाई। तो यहाँ पे पाठ से पहले क्या है, कभी कभी बच्चे हम इतना खाने के बाद इतना जो भी वैरायटीज़ देखते हैं खाने का, तो ऐसे ही खाने के लिए स्टार्ट करते हैं। इसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो क्या करना है, खाने से पहले हमें क्या है, खाने से पूर्व सोचना चाहिए क्या खाया तो पेट को अच्छा है और क्या नहीं खाया तो पेट के लिए अच्छा है। तो इसीलिए जो भी मिलता जाता है वो खाना गलत बात है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसके बारे में, देखकर खाने के बारे में, यानी कि खाने के बारे में आज हम कुछ सीखेंगे, ठीक है? कलकत्ते से मामू आए, कचौड़ियाँ और रसगुल्ले लाए, रोमी और विहान तो एकदम टूट पड़े। दादी जी ने कहा, बस बस शेष अब शाम को खाना, बचा हुआ जो है शाम को खाना। मना करते करते रोमी हाथ में कचौड़ियाँ लेकर बाहर खेलने गया। मम्मी खेल कर जल्दी वापस आ गया, कचौड़ियाँ देखकर मुंह में पानी भर गया, फिर से 3-4 खा ली। गृह कार्य करना था इसीलिए बस्ता निकालकर मेज पर रखा। हिंदी की पुस्तक नहीं थी, सो ढूंढते ढूंढते फ्रिज के पास पहुंच गया। कहा, हाँ कोई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। झट से 2 रसगुल्ले खा गया। किताब नहीं मिल रही थी तो क्या करे, बस चेयर पर यानी कि मेज पर चढ़ कर रखे अमरूद नज़र गई तो अभी 2-4 ग्रास खा गया कि पेट से तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। तो यहाँ तक है, ये पेज पे पहला जो पन्ने पे है वो मैं इसका विस्तार बता दूँगी। तो कलकत्ते से किसका, रोमी और विहान का मामा आया था, और कलकत्ते से क्या, कचौड़िया और रसगुल्ले लेके आया था। तो रोमी ने क्या किया, जितना चाहिए उतना खा लिया और बाकी के जो 2-4, दादी चिल्लाने के बाद क्या किया उसने कि 2-4 हाथ में पकड़ा और खेलने के लिए भाग गया। भाग के गया, वहाँ से खाया पूरा ख़त्म किया। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे फिर से क्या किया उसने, घर में आकर मुँह हाथ धोकर जल्दी से वापस आया और उसको कचौड़िया, फिर से कचौड़िया देखकर मुंह में पानी आने लगा। तो उसने क्या किया, मुंह हाथ धो लिया फिर से और 3-4 कचौड़िया फिर से खा लिया उसने। तो सुबह भी यानी कि जब खेलने से पहले गया था तब भी खाया था और खेलने के बाद आया तब भी खाया है, फिर 3-4 ये क्या बोलते हैं कचौड़िया खाने के बाद उसने क्या किया, गृह कार्य होमवर्क करने के लिए बैठ गया। होमवर्क करने के लिए बैठ जाने के बाद उसको हिंदी की किताब नहीं मिल रही थी, जो है आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक, उसको वो अभ्यास करने के लिए यानी कि गृह कार्य करने के लिए नहीं मिल रही थी। तो उसने क्या किया कि ढूंढते ढूंढते घर में इधर उधर घूमते घूमते फ्रिज के पास जाके पहुंचा। फ्रिज के पास जाने के बाद फ्रिज खोल कर, फ्रिज मीन्स रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खोलने के बाद वहाँ पे अंदर देखता है तो रसगुल्ले का बॉक्स था। वो रसगुल्ले का बॉक्स निकाला, उसमें से झट से करके 2 खा लिया। वो 2 खाने के बाद उसने क्या किया, फ्रिज बंद कर दिया और फिर से अपने किताब ढूंढने के लिए निकल गया। फिर नज़र उसकी मेज पर, यानी कि एक टेबल था घर पे, टेबल पर अमरूद रखे हुए थे, अमरूद मीन्स गुआ पेरू रखे हुए थे। उसने देखा कि वाह इधर तो अमरूद है करके उसने क्या किया, वहाँ पे पड़े अमरूद को 2-3 यानी कि कम से कम 5-6 ग्रास उसने खा लिया, अमरूद 2-4 घास खा लिया। खाने के बाद थोड़ी ही देर में उसके पेट में गड़बड़ होने लगी, यानी कि पेट से आवाज़ आने लगी। पेट से आवाज़ आने लगी, आने के बाद
उसने क्या किया यहाँ पे, अभी मैं आपको अगले पन्ने में दिखाती हूँ। तो गड़बड़ तो पेट में नहीं, यानी कि गड़बड़ तो पेट में ही हो रही है। वहाँ सोफे पर जाकर लेट गया, यानी कि इतना कुछ खा लिया था, पहले लाए हुए कचौड़ियाँ, उसके बाद हाथ में पकड़ के लेके गए हुए 3-4 कचौड़ियाँ, उसके बाद खेल के आने के बाद 3-4 कचौड़ियाँ, उसके बाद मुँह हाथ धो लेने के बाद गृह कार्य करने के लिए बैठते वक्त वहाँ पे फ्रिज में रखा हुआ था 2 रसगुल्ले, और क्या किया उसने, फिर से मेज पर रखा हुआ अमरूद, इतने 6 यानी कि इतनी बार खा लिया था कि उसके पेट में गड़बड़ होने लगी और पेट से आवाज़ आने लगी। वहाँ से सोफे पर लेट गया, पेट पर हाथ पकड़े ही था कि अकड़न महसूस हुई, यानी कि पेट में लेट रहा था तो पेट में अकड़न महसूस हुई। वहाँ उठकर बैठ गया, फिर लेट गया, दर्द इतना था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो इतना कुछ सब कुछ खा लिया था, कचौड़ियाँ, रसगुल्ले, पेरू, क्या बोलते हैं, अमरूद, इतने खा लिया था कि उसके पेट में गड़बड़ होने लगी। तो उसने क्या किया, कभी मेज पर लेटता था तो कभी उठकर बैठता था, तो उसकी जो पेट का दर्द जो हो रहा था वो कम नहीं हो रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सामने से माँ आ गई और कहने लगी, अरे रोमी बेटा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? तो सामने जैसे ही वो उठना बैठना सोना कर रहा था, तो उसकी माँ आगे से आई और पूछी कि बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो, क्या परेशानी लग रही है? तो माँ को देखते ही रोमी सुबकने लगा और माँ को बोला कि माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ पूछने पर उसने बोला कि माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ ने पेट दबा कर देखा तो बहुत सख्त, यानी कि सख्त लग रहा था, एकदम हार्ड लग रहा था, तो पेट फूल गया था, क्या क्या खा लिया था ना, इससे पेट उसका ख़राब हो गया था। तो उसको उठने के लिए भी ना हो रहा था, ना बैठने के लिए भी, ना सोने का मन कर रहा था, उसकी वजह से उसकी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। तो उसने क्या किया, माँ को बोला कि माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ ने क्या किया, पेट ऐसे दबा कर देखा कि पेट उसका सख्त हो गया था और सख्त होने पर उसको दर्द हो रहा था। माँ के पेट दबा कर देखा, बहुत सख्त था, फूल गया था। उन्होंने डॉक्टर आनंद को फ़ोन किया, वहाँ पर तुरंत पहुँच गए। उन्होंने रोमी की जांच की और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है बेटा कुछ आवश्यकता से अधिक ही खा गए हो। तो क्या कहते हैं कि और मम्मी क्या करती हैं, डॉक्टर को कॉल करने के बाद डॉक्टर तुरंत आ जाते हैं, और आ जाने के बाद क्या कहते हैं कि आज बेटा अधिक आवश्यकता से अधिक, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही तुमने खा लिया है, इसलिए आपका पेट खराब हो गया है। यहाँ तक आपने जान लिया, हम आगे का जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ पे जो लेसन नंबर 2 है और पेज नंबर 5 और 6 आपको घर बैठ के आपके मम्मी के साथ रीड करना है, ठीक है, आपके पापा के साथ या मम्मी के साथ या दादा के साथ या दादी के साथ या भाई के साथ, किसी के साथ के बैठ के भी ये पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए आना है, ठीक है। देखिए आप भी खाना खाते हो तो ध्यान से खाइएगा, ठीक है, धन्यवाद।